सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद सहित कई जिलों का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों के साथ पटना में मीटिंग करेंगे। हवाई सर्वेक्षण में सीएम बाढ़ सुखाड़ के हालात की जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से गंगा की उफनती धारा की वजह से आम जिंदगी जद्दोजहद करने को मजबूर है और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। तमाम चीजों का किस तरह से निपटारा किया जाए, इसी मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि वो हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। पटना, बक्सर, भोजपुर समेत तमाम इलाकों का वो हवाई भ्रमण कर सर्वेक्षण करेंगे। मरगूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ सुखाड़ की जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर लगातार बिहार में जो हालात बने जून, जुलाई और अगस्त, तीन महीने, आज अगस्त को अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख हो चुका है। जून में मानसून की स्थिति वही थी, जुलाई में हालात वही खराब थे। मौसम विभाग को लग रहा था कि हो सकता अगस्त में मानसून की स्थिति ठीक होगी, लेकिन हालात बहुत से बदतर होते चले गए। तो कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं कि किसानों के खेत में पानी नहीं। हालात ये हैं कि किसान अपने हलों को उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो उनके पास हालात वैसे नहीं है। अब इसे देखते हुए मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है। मुख्यमंत्री ने आज एरियल सर्वे करने का निर्णय लिया है। 11:30 दिन में मुख्यमंत्री एरियल सर्वे के लिए निकलेंगे। किसान निकलने के बाद मुख्यमंत्री लगभग 1 से 1.5 घंटे तक एरियल सर्वे करने के बाद पटना पहुंचेंगे। खास करके जो मगध रेंज का इलाका है, आरा, भोजपुर, गया, बक्सर, औरंगाबाद, इन इलाकों में मुख्यमंत्री का फोकस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत कम बरसात हुई है। तो वहाँ से जब लौटेंगे तो मुख्यमंत्री आपदा विभाग, कृषि विभाग के साथ साथ सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, जो 1 मार्च में होगी। अब वहाँ सूखे के हालात को लेकर मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे, किसानों को और कैसे सहायता पहुंचाई जाए, किस तरीके से हालात और काबू किया जा सके, और आने वाले दिनों में जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम है, जल को संचित करना, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए, जब बरसात नहीं होगी तो पीने के पानी की हालात बहुत खराब हो गया। पीने के पानी की स्थिति कई इलाकों में ऐसे भी सूचना आ रही है कि वहाँ हैंडपंप कलों ने काम करना बंद कर दिया है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती चली आ रही है सूखे के कारण। यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ एरिया सर्वे करने के बाद एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, और इस मीटिंग के बाद फिर मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देंगे। उसी निर्देश के अनुसार सूखे पर पूरे बिहार में कार्य योजना बनाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करेंगे, इसके बाद वो बाढ़ सुखाड़ के हालातों का जायजा लेने के बाद मीटिंग करेंगे।